नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि अभी ठंडियाँ चल रही है, ठंडियों का मौसम चालू है, है ना? लेकिन क्या होता है, सर्दियों में इतना डैंड्रफ हो जाता है बालों में, स्कैल्प इतनी ड्राई हो जाती है ना? और दूसरा, बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से हमको गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर में जैसे कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं ना, ठीक उसी तरह हमारे बालों को जब पोषण नहीं मिलता है तो वो भी टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, है ना? बहुत सारी समस्या हो जाती है उसी तरह, जब बालों को पूरी तरह अच्छी तरह पोषण नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी एलोवेरा जेल के फ़ायदे, उसको हम किस तरह से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना? बालों में एलोवेरा जो है वो तो बालों के साथ साथ चेहरे पर कहीं पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों के मौसम में एलोवेरा जेल बालों में लगाने के फ़ायदे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे, फटाफट से रेमेडी तैयार करेंगे और चलते हैं हम अपने किचन में। आज की रेमेडी जो मैंने बनाई हूँ वो मैं अपने बेटे के बालों में आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है? पर मैंने सबसे पहले लिया है एलोवेरा लीव, ठीक है, फ्रेश है बिल्कुल, है ना? और इसको मैंने जो इसका पीलापन होता है ना उसको भी निकाल के फेंक दिया। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, इसके दोनों कोने, और ये अच्छा वाला जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है? अभी आपको मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, एलोवेरा जेल के बारे में, कि ये बालों में लगाने के इसके तो कई फायदे हैं, है ना? सिर्फ आपकी हेयर प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती इससे, बल्कि इसे लगाने से आपके बालों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है ना? डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है और सिल्की हेयर हो जाते हैं। अगर आपको कंडीशनर सूट नहीं करता है ना, तो आपको इसको हफ्ते में 2 बार एलोवेरा जेल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो ये सबसे पहले मैं इसको पूरा इस तरह से छील कर निकाल लेती हूँ इसका जेल, है ना? इसको ऐसे कट करके हमको एकदम, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा निकाल के मिक्सी में भी कर सकते हैं, कीस सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको इसी तरह कट लगाकर इसका पूरा जेल निकाल लेती हूँ, देखिए, ठीक है? एक कटोरी में निकाल लेती हूँ मैं। अगर आपके स्कैल्प में जैसे खुजली है, इन्फेक्शन है ना, और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आप, मैं ना इसको पूरा इस तरह से इसका पूरा जेल निकाल लेती हूँ अच्छी तरह से, ठीक है? लेकिन आपको ये सब करने के पहले ना आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, हाँ? ये देखिए, ये मैंने पूरा इसका जेल निकाल लिया है, कम से कम ये 2 चम्मच के करीब जेल है, ठीक है? अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर ये वाला भी ले सकते हैं, रेडीमेड वाला मार्केट का, ठीक है? तो ये मैंने ले लिया है। अब हमको यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या लेनी है, अब मैं दूसरा ले रही हूँ एक खाली पतीला, देख सकते हैं आप, देखिए ये ना थोड़ा जाड़ा है, और हमेशा मैं इसी में ऑयल गरम करती हूँ, एक तो लोहे की कढ़ाई में या फिर इसमें, इसलिए ये इस तरह का हो गया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नारियल का तेल, ठीक है, 2 चम्मच के करीब ले रही हूँ मैं इसमें नारियल का तेल, ठीक है? जितना हमारा जेल है ना उतना ही। तो अब नारियल का तेल देखिए, अभी ठंडी है तो थोड़ा सा जमा हुआ है, मैंने इसको फिर भी धूप में रखा हुआ था, है ना? अब नारियल तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल जो इसमें दो तत्व होते हैं, वो पता है बालों को डैंड्रफ दूर करने में मददगार साबित करते हैं, साबित होते हैं, और साथ ही आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है ये नारियल का तेल, और जिससे कि आपके स्कैल्प की जो ड्राइनेस है वो कम हो जाती है, और साथ में इससे ना बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ये असरदार होता है नारियल का तेल। तो अब हम इसको क्या करते हैं, गैस पर चढ़ा देते हैं, ठीक है? एकदम हल्का कुनकुना करना है हमको इसको गैस पे, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और धुआं निकलने लगता है ना। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक विटामिन का कैप्सूल, देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया, सिर्फ इसमें एक ही बचा हुआ है, अगर आपके पास 2 हो तो आप डाल सकते हो, है ना? तो विटामिन ई भी बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, इससे बाल बहुत सॉफ्ट और ये बालों को नरिशिंग करता है और घना बनाता है ना,
और साथ में पता है क्या, डैंड्रफ से भी छुटकारा दिलाता है। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, तो मैं इसका ये एक कैप्सूल ले लेती हूँ। तेल से धुआं निकल रहा है बहुत, तो अब मैं ये डाल देती हूँ, ठीक है, जेल। जेल डालने के बाद ये इतना उड़ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दूर कर लिया कैमरे। तो अब ये तेल हल्का कुनकुना ही है, अब मैं इसमें एक ही विटामिन ई का कैप्सूल डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही बच्चा है ना। पर मैं ले रही हूँ एक नींबू, क्योंकि अब तेल जो है ना एकदम हल्का कुनकुना हो गया है, मतलब ठंडा, ठंडे से थोड़ा सा गर्म है, तो मैं यहाँ पर लूँगी एक नींबू लूँगी, लेकिन बहुत बड़ा नींबू है ना, इसलिए मैं इसको आधा ही डालूँगी, ठीक है, और बहुत जूसी भी है ये, तो मैं ये छोटा वाला डालती हूँ, है ना। तो ये हम पूरा इसमें अब निचोड़ लेंगे। इसको मैं गैस से नीचे उतार लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म है अभी, ठीक है, तो मैं इसमें ये निचोड़ देती हूँ, ठीक है। आप गरम तेल में ना डालिए, नहीं तो पता है कि ये बहुत उड़ेगा, इतना उड़ेगा कि पूरा तेल जो उड़ उड़ के ना पूरा बाहर चले जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, फैटी एसिड्स होता है, और क्या बोलते हैं, ये ना पता है बालों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत असरदार होता है नींबू। बालों का झड़ना भी कम करता है, डैंड्रफ दूर करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होता है, बालों को सॉफ्ट और घना बनाता है। तो ये हमारा एक अच्छा अभी मिश्रण तैयार हो गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा गर्म ही है अभी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हल्का सा, फिर मैं क्या करती हूँ इसको ना एक इसमें निकाल लेती हूँ, अलग मैं ना इसमें निकाल लेती हूँ। अब ये गर्म है, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने, और मैं इसको अब इसमें पलटा लेती हूँ, ठीक है। और अब मैं अपने बेटे के सर में, बालों में आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैंने ये तेल इसमें निकाल लिया है, ये हल्का कुनकुना तेल है, और मैं अब इसके बालों में ये तेल लगा रही हूँ। अगर आपके सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ना, वो भी इससे बिल्कुल दूर हो जाएंगी, वो भी मैंने आपको बताया। आपको इसको ना हफ्ते में, आप जब भी बाल धो, हफ्ते में दो बार इसको यूज़ कीजिए। जैसे आपको बाल धोना है तो आप उसको लगाकर एक घंटा दो घंटा भी रख सकते हो, या फिर नहीं तो रात में भी आप इसको लगाकर सो सकते हो। लेकिन इसमें नींबू है, अगर नींबू आपको सूट नहीं करता है ना, तो आप इसको क्या कीजिए, स्किप कर दीजिए नींबू को, ठीक है। सिर्फ एलोवेरा और नारियल का तेल और दूसरा विटामिन ई कैप्सूल, ठीक है, ये हमने इसमें मिक्स किया है। तो आप नींबू को स्किप करके सिर्फ इतनी चीज़ों से ही इसको बना सकते हो। थोड़ा से करो बेटा, ऊपर करो। अब ये कम से कम दो घंटे तो रखेंगे ये सर में, फिर उसके बाद ये अपना हेयर वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको इसी तरह अपने बालों में लगाइए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। और एक बात बताना भूल गई हो, बोलना भूल गई हो, कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगी, और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मैंने इसके बालों में बहुत अच्छी तरह ये लगा दिया है, अब मैं बढ़िया से चम्पी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।